गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th का प्रश्नमाली 3.3 है, जो प्रतिस्थापन विधि से सभी क्वेश्चंस को हल करना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रतिस्थापन विधि है क्या। प्रतिस्थापन विधि है क्या? प्रतिस्थापन विधि का मतलब हुआ जिसे किसी भी क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई बराबर 4 दे दे, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 दे दे। समीकरण किसी भी क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि में दो इक्वेशन देता है समीकरण, जो एक समीकरण का एक दो मान लेंगे, पहला समीकरण से एक्स या वाई का वैल्यू निकालेंगे और दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, पुट करेंगे। यही है प्रतिस्थापन विधि। जैसे क्वेश्चन लेते हैं एक, जो प्रतिस्थापन विधि से जैसे क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई बराबर 14 समीकरण एक मान लिए, एक्स माइनस वाई बराबर 4 समीकरण दो मान लिए, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि समीकरण एक से, तो एक से एक्स प्लस वाई बराबर 14 तो 14 लिख लेंगे, एक्स बराबर क्या करेंगे 14, और यहाँ प्लस है तो माइनस वाई समीकरण क्या कर लेंगे इसको 3 मान लेंगे। उसके बाद समीकरण दो में एक्स का मान रखने पर, तो एक्स का मान यही ना लिखना है आपका, एक्स का मान क्या करेंगे समीकरण दो में रख देंगे। रखने के बाद यहाँ पर देखिए माइनस टू आई बराबर 4 में से का 14 घटेगा तो माइनस टू आई बराबर कितना होगा, माइनस 10 आएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, वाई का वैल्यू कितना है 5। उसी तरह क्या करेंगे समीकरण समीकरण तीन में वाई का मान रखने पर, समीकरण तीन कहाँ है, यहाँ पे है एक्स बराबर 14 माइनस वाई, तो एक्स बराबर 14 लिख देंगे, वाई का वैल्यू कितना निकला है यहाँ पे 5 निकला है, तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस 5, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, एक्स का मान 9 आ गया, अब पहले से वाई का वैल्यू कितना आया है 5, यहीं क्या हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि से क्या हुआ आपका आंसर। उसी तरह आप लोग को क्या करते हैं 5 क्वेश्चन देते हैं जो आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में या लिख कर भेजिएगा। इस क्वेश्चन को फिर क्या करेंगे, इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। चैनल है SIS30। जैसे क्वेश्चन देखिए देते हैं 5 क्वेश्चन, आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर एक्सप्लेन कीजिएगा। 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9। फिर दूसरा क्वेश्चन है s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। उसी तरह यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन में देते हैं आप लोग को 2√2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। उस तरफ 4 नंबर क्वेश्चन है 3x / 2 - 5y / 3 = 2 और यहाँ पर x / 3 + y / 2 = 13/6। इसको बनाइएगा, नहीं बनेगा तो एक्सप्लेन कीजिए कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।